Brought to you by Omnigel. Omnigel का Diclofenac formula जड़ से दर्द को मिटाता है. Omnigel, इंडिया का नंबर वन पेन रिकवरी जेल. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं Omnigel, इंडियाज नंबर वन पेन रिकवरी जेल. वैभव 32 साल के हैं, कन्नौज के रहने वाले हैं. लगभग 2 महीने पहले उनका बाइक एक्सीडेंट हुआ था, तब उनकी छाती में चोट आई थी. हालांकि उस समय छाती में ज्यादा तकलीफ नहीं हुई थी, उनका सारा ध्यान उनकी टूटी हुई हड्डियों पर था. पर कुछ ही दिन के अंदर उनको छाती में दर्द शुरू हो गया, सांस फूलने लगी, इतनी कि वो 2-4 कदम भी स्टिक की मदद से नहीं चल पा रहे थे. जब अस्पताल में दिखाया गया तो पता चला चोट के कारण उनके फेफड़ों में हवा भर गई है, ये जानलेवा हो सकती थी. तुरंत उनको एडमिट करवाया गया आईसीयू में, तुरंत इलाज शुरू किया गया. अच्छी बात यह है कि उनको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी. 6-7 दिनों के अंदर वो ठीक होकर डिस्चार्ज होकर घर आ गए. दरअसल वैभव को जो हुआ उसको कहते हैं न्यूमोथोरैक्स. आसान भाषा में समझें तो इसमें लंग्स के अंदर हवा भरने लगती है और लंग्स ठीक तरह से काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं. इससे जान भी जा सकती है. हालांकि वैभव को ऐसा छाती में चोट लगने के कारण हुआ, पर न्यूमोथोरैक्स हमेशा एक्सीडेंट के कारण नहीं होता. ऐसा होने के बहुत सारे कारण हैं और ये किसी को भी हो सकता है. वैभव ने हमसे इस बारे में बात की. वो चाहते हैं कि हम अपने शो पर न्यूमोथोरैक्स के बारे में बात करें. तो सबसे पहले जान लेते हैं ये है क्या और फेफड़ों में हवा भर क्यों जाती है. न्यूमोथोरैक्स यानी कि फेफड़े में हवा भरना एक बहुत ही सीरियस बीमारी है फेफड़े की, जिसको कि बहुत ज़्यादा मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है और बहुत सारे पेशेंट को इंटेंसिव केयर या आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है. तो एक्चुअली ये बीमारी होती क्या है, फेफड़े के आसपास एक झिल्ली होती है, तो फेफड़े में कोई छोटा सा छेद हो जाता है जिसके कारण झिल्ली में हवा भर जाती है. जब झिल्ली में हवा भर जाती है तो वो हवा फेफड़े को प्रेस करने लगती है और फेफड़े को जितना सांस के साथ फैलना चाहिए उतना वो फैल नहीं पाता और शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. इसके लक्षण कुछ भी हो सकते हैं. किसी किसी को सिर्फ हल्का सा छाती में दर्द होता है और किसी किसी को इतनी सांस फूल जाती है कि वो जानलेवा सांस फूलना हो जाता है. किसी किसी का ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है. तो लक्षण वेरी करते हैं छाती में दर्द से लेकर बहुत ज़्यादा सांस फूलने तक. कभी भी अगर न्यूमोथोरेक्स हो तो उस पेशेंट को एकदम से अस्पताल लेके जाने की ज़रूरत पड़ती है. ये बीमारी 2 तरह की होती है. एक बोलते हैं प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स, दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स. मतलब प्राइमरी का मतलब ये है कि जिसके अंदर कोई भी पहले छाती का रोग ना हो और पेशेंट को सडनली छाती में हवा भर जाए और सांस फूलने लग जाए. ये उन लोगों में होता है जो कि थोड़े कम उम्र के होते हैं, यंग होते हैं या लंबे होते हैं, पतले होते हैं. और इसका कारण ये है कि फेफड़े में छोटे छोटे हवा के गुब्बारे होते हैं या ब्लेब्स होते हैं जो कि फट जाते हैं, जो कि किसी इन्वेस्टिगेशंस में भी दिखाई नहीं देते सीटी में या एक्सरे में. सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स उन लोगों को होता है जिनको पहले से कोई ना कोई फेफड़े की बीमारी होती है, जैसे कि COPD या फिर जिसके अंदर की फेफड़े में बड़े हवा के गुब्बारे बने होते हैं. तो ऐसे पेशेंट को जो न्यूमोथोरैक्स होता है उसे बोलते हैं सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स. पेशेंट को कभी भी न्यूमोथोरैक्स का शक हो या न्यूमोथोरैक्स का खतरा हो तो तुरंत अस्पताल लेके जाने की जरूरत होती है. इसका पता लगाना या डायग्नोसिस करना बहुत आसान है. जनरली डॉक्टर एग्जामिनेशन में ही डायग्नोज कर सकता है. जिस साइड पर फेफड़े में हवा भरती है उसमें अगर आप स्टेथोस्कोप से देखें तो कोई हवा का आने जाने का की जो आवाज़ होती है फेफड़े में, जो नॉर्मली स्टेथोस्कोप से सुनाई देती है, वो सुनाई नहीं देती है. जो आपको डायग्नोसिस के लिए एक ही इन्वेस्टिगेशन चाहिए होती है वो है छाती का एक्सरे. छाती के एक्सरे में आपको जो नॉर्मल लंग दिखना चाहिए वो नहीं दिखता है और सिर्फ हवा ही हवा दिखती है. कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें कि बड़े गुब्बारे पहले से लंग्स में होते हैं, उनमें पक्का पता लगाने के लिए कि इनको न्यूमोथोरैक्स या लंग में हवा भर गई है या फिर ये पुराने बड़े गुब्बारे हैं, CT स्कैन की जरूरत पड़ती है. ट्रीटमेंट बहुत सारी होती है, कम इस बात पर डिपेंड करती है कि कितनी हवा भरी है फेफड़े में और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड की जाती है. इन पेशेंट को हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, यानी कि ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ती है और ट्रीटमेंट में एक सुई डाल के हवा को निकाला जा सकता है, नहीं तो एक ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ सकती है. ज़्यादातर लोगों को छाती में एक नली डालनी पड़ती है. छाती में एक छोटा सा छेद करते हैं और एक नली जिसको कि पिपटेल या फिर ICD कहते हैं, उससे हवा
स्पॉन्टेनियसली निकल जाती है। तो जो पिक्टेल होती है उसको एक बॉटल के साथ कलेक्ट करते हैं जिसमें पानी होता है, तो पानी की सील के नीचे धीरे धीरे पूरी हवा निकल जाती है। टोटल पेशेंट को 5 से 7 दिन अस्पताल में रहने की जरूरत पड़ती है। कुछ कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनकी पूरी हवा नहीं निकल पाती है, या फिर उनको एयर लीक होती रहती है, मतलब थोड़ी थोड़ी हवा पूरे टाइम लीक होती रहती है। तो ऐसे पेशेंट का मतलब ये होता है कि जो फेफड़े में छेद हुआ है जिसके कारण की हवा झिल्ली में भरी है वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे कुछ पेशेंट्स को जो कि बहुत कम होते हैं नंबर में, less than 50%, उनको ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। जब ये फेफड़े में से हवा निकलनी बंद हो जाती है, ट्यूब में हमें पानी में दिखता है कि कोई बबलिंग नहीं हो रही है और कोई हवा नहीं निकल रही है, तो ट्यूब को ब्लॉक करा के एक्सरे दोबारा करके देखते हैं और हमें दिखता है कि लंग पूरा फैल गया है और अब लंग दोबारा से सिकुड़ नहीं रहा है या कोलैप्स नहीं हो रहा है, तो ट्यूब को निकाल देते हैं। जो प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स वाले पेशेंट होते हैं, यानी कि जिनको पहले से कोई फेफड़े की बीमारी नहीं होती, उनको पहली बार जब न्यूमोथोरेक्स होता है तो सिर्फ ट्यूब डाल के हवा निकाली जाती है, और जब हवा निकलनी बंद हो जाती है ट्यूब निकाल के उस एरिया को सील कर देते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स वाले पेशेंट होते हैं, या जिनको कि पहले से फेफड़े में कुछ बीमारी होती है, या वो प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स वाले पेशेंट जिनको पहले एक बार न्यूमोथोरेक्स हो चुका होता है, उनको एक दवाई डालनी पड़ती है जिसके कारण कि फेफड़े की झिल्ली की 2 लेयर्स जो होती है वो आपस में चिपक जाती है, जिसके कारण कि बार बार न्यूमोथोरेक्स नहीं होता है। तो ये न्यूमोथोरेक्स के लक्षण है और इनका निदान है। इसके ऊपर जिन लोगों को एयर लीक होती रहती है उनको ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है और एक थोरैसिक सर्जन से सलाह लेनी पड़ती है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है छाती की, जिसके लिए तुरंत अस्पताल में जाना चाहिए। जैसे डॉक्टर नीतू ने बताया, न्यूमोथोरैक्स बहुत ही सीरियस कंडीशन है। कई बार इसके लक्षण केवल छाती में दर्द और सांस फूलना जैसे होते हैं, तो उसे महज एसिडिटी या फिर गैस समझकर इग्नोर ना करें, तुरंत जांच करवाएं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए पेट में बनने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की, ये कैसे तय होता है। सेक्स के दौरान आदमी का सीमन यानी कि वीर्य औरत की वजाइना के रास्ते शरीर के अंदर जाता है। उसकी सिर्फ एक ही बूंद अंडों के आसपास तक जा पाती है और एक बूंद में हजारों स्पर्म यानी कि शुक्राणु होते हैं, पर अंडे से मिल पाता है केवल एक ही स्पर्म। स्पर्म 2 तरह के होते हैं, पहले एक्स क्रोमोसोम वाले, दूसरे वाई क्रोमोसोम वाले। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि क्रोमोसोम एक पर्सनालिटी है, एक पर्सनालिटी है एक्स और एक पर्सनालिटी है वाई। जब एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म औरत के अंडे से मिलता है तो लड़की बनती है, और जब वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म औरत के अंडे से मिलता है तो लड़का बनता है। ये औरत के खाने पीने या कुछ भी करने से तय नहीं होता कि कौन सा स्पर्म उसके अंडे से मिलेगा, यानी लड़का होगा या लड़की, ये औरत के ऊपर निर्भर नहीं करता है। अगर पुरुष के स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम ज्यादा होते हैं तो लड़की होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर पुरुष के स्पर्म में वाई क्रोमोसोम ज्यादा होते हैं तो फिर लड़के होने के चांस ज्यादा होते हैं। आप पहले से ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जो बच्चे का जेंडर तय करता हो। स्पर्म का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, उसे आंखों से देख भी नहीं सकते। इसकी जेनेटिक टेस्टिंग से पता चलता है कि एक्स वाला स्पर्म कौन सा है और वाई वाला कौन सा। तो बेसिकली लड़का होगा या लड़की ये किसी के भी हाथ में नहीं है, ना ही पुरुष के और ना ही महिला के, समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए क्या कॉफी में नींबू का जूस डालकर पीने से आप अपना वजन घटा सकते हैं। इंटरनेट पर वजन घटाने का दावा करने वाली टिप्स की भरमार है। आए दिन कोई ना कोई ऐसी ट्रिक के बारे में पता चलता ही रहता है जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होती है, जैसे कॉफी में नींबू का जूस डालकर पीना। सही सुना आपने, सोशल मीडिया पर भतेरी ऐसी वीडियो तैर रही हैं जो दावा करती हैं कि कॉफी में नींबू का जूस डालकर पीने से आप फैट बर्न कर सकते हैं। पर क्या ये सच है, क्या ये काम करता है, इसके बारे में जानने के लिए हमने बात की डाइटिशियन अमृता मिश्रा से। उनका कहना है कि नींबू का जूस आपका मेटाबॉलिज्म तेज करने में मदद करता है, इसलिए ये वेट लॉस में मददगार साबित होता है। कई स्टडीज के मुताबिक कॉफी फैट ऑक्सीडाइजेशन में मदद करती है। फैट ऑक्सीडाइजेशन यानी शरीर में मौजूद फैटी एसिड्स को तोड़ने की प्रक्रिया। आसान भाषा में समझें तो इससे आपका फैट बर्न होता है। पर डाइटिशियन अमृता मिश्रा का कहना है कि कॉफी और नींबू का जूस अकेले वेट लॉस में मदद नहीं कर सकता, ये बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। कॉफी पीने से भूख कम लगती है, मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, पर वजन कम नहीं होता है। तो ये टिप काम करती है, इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ मौजूद नहीं है और ये केवल एक सोशल मीडिया ट्रेंड है, तो इसके भरोसे ना रहें।
आज से अदवर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक मजे की बात सुनते जाइए। अब आप देख सकते हैं दी ललन टॉप शो लाइव ललन टॉप ऐप पर ठीक रात 8 बजे, तो आज ही डाउनलोड करिए। शुक्रिया। मिटाने खबरों का गैप, रोज रात 8 बजे आएगा ललन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें ललन टॉप ऐप।